गुरुत्वाकर्षण भाग एक। गुरुत्वाकर्षण का परिचय। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे। हमारी आकाशगंगा में ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। याद करो सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने प्रसिद्ध गति का नियम बताया था। ऐसा कहा जाता है कि 1665 में उन्हें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का ख्याल तब आया जब उनके सिर पर एक सेब गिरा। यहां पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाली कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं। बारिश हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। हम देखते हैं कि जैसे ही फुटबॉल जमीन से ऊपर जाती है, वैसे ही ये पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाती है। पेड़ की डाली से टूटता हुआ एक सेब जमीन पर गिरता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बारिश, फुटबॉल और सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या वस्तुएं भी पृथ्वी को आकर्षित करती है? अगर हाँ, तो हम पृथ्वी को सेब की ओर आकर्षित होते हुए क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि गति के द्वितीय नियम से त्वरण किसी वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की तुलना में सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करने के बावजूद पृथ्वी का त्वरण सेब से बहुत कम होता है। और यही वजह है कि हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर जाते हुए नहीं देखते। न्यूटन ने बताया कि सूर्य सभी ग्रहों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि वे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे सभी पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम अभिकेंद्र बल को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक धागे का टुकड़ा लो और इसके एक किनारे पर एक छोटा पत्थर बांध लो। इसके दूसरे सिरे को पकड़ो और इसे क्षैतिज वृत्त में घुमाओ। पत्थर की गति को ध्यान से देखो। अब इस धागे को छोड़ दो, लेकिन पहले देख लेना कि कोई तुम्हारे आसपास खड़ा ना हो। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा जब तुम धागे को छोड़ोगे? अब समझते हैं कि क्या हुआ। धागा छोड़ने से पहले पत्थर एक वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित चाल से घूमता है और हर बिंदु पर पत्थर अपनी दिशा बदलता है। पत्थर की दिशा में परिवर्तन का कारण इसका वेग है। वो बल जो इसके त्वरण को बनाए रखता है और जो पत्थर को वृत्ताकार पथ पर गतिशील बनाए रखता है, वो बल केंद्र की ओर लगता है। ये परिणामी बल जो वस्तु के वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है तथा वस्तु के घूर्णन के केंद्र की ओर लगता है, ये बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि कोई अभिकेंद्र बल ना हो तो पत्थर वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा बनाते हुए सीधी रेखा में उड़ने लगेगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना भी अभिकेंद्र बल के उदाहरणों में से एक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिलने वाले अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है।
यदि अभिकेंद्र बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। बाय बाय चांद। इस वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे।